नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इस समय हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिरसा का पार्ट 3 यानी दक्षिणी भाग, और आपके सामने इस समय है गोपाल कांडा का किला। पूर्व गृह एवं राज्य मंत्री गोपाल कांडा जो इस समय हेलोपा के सुप्रीमो है, ये किला नुमा महल उन्हीं का है। ये बेहद खूबसूरत है और रानिया रोड पर स्थित है। अब ये भी कह सकते हैं कि ये सिरसा की पहचान बन चुका है। तारकेश्वर धाम के बिल्कुल बगल में किसी आलीशान किले के रूप में ये उनका घर है, यानी गोपाल कांडा की हवेली। इस खूबसूरत हवेली का डिज़ाइन हूबहू एक किले के तरह बनाया गया है। इसके चारों तरफ खुली सड़क है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, मानो किसी राजा महाराजा का महल हो। इसी के कुछ ही दूरी पर जैन मंदिर भी स्थित है, और थोड़ा अगर हम आगे चलते हैं तो वहाँ पर आता है बेहद खूबसूरत खाटू श्याम मंदिर। ये भी कुछ ही दूरी पर रानिया रोड पर स्थित है और गोपाल कांडा की हवेली से कुछ ही दूरी पर। इस खूबसूरत मंदिर का डिज़ाइन भी बड़ा ख़ास है। आए दिन यहाँ पर कई प्रोग्राम होते रहते हैं। अल सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ भक्तों की भीड़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। रात्रि को जगमगाती हुई खूबसूरत लाइटें आपका मन मोह लेगी। इस बेहद सुंदर और भव्य मंदिर में भगवान श्री खाटू श्याम के आप अगर दर्शन करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। अब हम रानिया रोड पर शहर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है बांद्रों वाली पुली। जी हाँ, यह रानिया रोड की एक मशहूर पहचान थी। जब आसपास में बहुत कम आबादी होती थी तो इसे बांद्रों वाली पुली के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ एक प्राचीन पीपल का पेड़ है और उस पर बंदर बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए इसका नाम बांद्रों वाली पुली पड़ा। तो इसी रोड पर कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो आता है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिरसा, यानी ITI। यहाँ पर सैकड़ों बच्चों को हर वर्ष ये औद्योगिक संस्थान प्रशिक्षण देता है। इसी के बिल्कुल सामने है वाणी श्रवण केंद्र जो रोड के दूसरी ओर पड़ता है, जहाँ पर वाणी और श्रवण के दिव्यांगजन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और इसके बाद कुछ ही दूरी पर शिव चौक से होते हुए हम आगे पहुँचेंगे अनाज मंडी की ओर। इससे पहले हम ये स्कूल दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक मॉडल स्कूल भी है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला नंबर 5 और मॉडल स्कूल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसके बाद तुरंत हम अनाज मंडी में पहुँचे हैं। यहाँ पर किसान अपनी पकी हुई ताज़ा फसल को निकाल करके बेचने के लिए आते हैं। गेहूँ, चना, ग्वार, ये सब यहाँ प्रमुखता से बेचे जाते हैं। अनाज मंडी से होते हुए हम सीधा पहुंचेंगे जनता भवन। जनता भवन बिल्कुल हमारे सामने है। वहां से हम जनता भवन की दुकानों से होते हुए पहुंचेंगे डब्बा वाली रोड पर। ये सारी आप देख सकते हैं जनता भवन की रोड की ये जो दुकानें हैं, ये पूरे की पूरी जनता भवन की है। और यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे तो जनता बाल सेवा संस्थान भी यहाँ पर है, जिसे जनता जनाना अस्पताल भी कहा जाता है। और इसी रोड से हम आगे की तरफ निकलेंगे डब्बा वाली रोड की तरफ, तो यहाँ ये मोटरसाइकिल मार्केट है, जहाँ पर मोटरसाइकिल ठीक भी किए जाते हैं और बेचे भी जाते हैं। ये सब बहुत पुरानी मार्केट है। यहाँ पर कई बार प्रशासन ने इसको बाहर ले जाने के लिए निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जो यहाँ मिस्त्री हैं, जो यहाँ मोटरसाइकिल खरीद बेच करने वाले व्यापारी हैं, वो इसे बेचना, इस मार्केट को बाहर ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये मोटरसाइकिल मार्केट काफ़ी पुरानी है और प्रसिद्ध है
जिसके कारण यहाँ पर इनकी मार्केट बनी हुई है और ये लोग बाहर जाना इसीलिए नहीं चाहते। हालांकि प्रशासन ने कई बार आदेश भी जारी किए हैं। अनाज मंडी और डबा वाली रोड के बीच में ये मार्केट स्थित है और यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल भी मौजूद है, लेकिन और यहाँ से जब भी ज़रूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस का निकलना यहाँ से बड़ा मुश्किल होता है। इमरजेंसी में वाहन यहाँ से नहीं निकल सकता। इस मोटरसाइकिल मार्केट को क्रॉस करने के बाद सामने हमारे हॉस्पिटल नज़र आ रहा है। यहाँ पर कई प्रमुख हॉस्पिटल हैं। ये डबा वाली रोड है, यहाँ पर सेसा क्लब भी हैं, कई बैंकों की ब्रांचेज यहाँ पर हैं, कार के बड़े बड़े शोरूम हैं, मारुति सुजुकी जिसमें प्रमुख है, और इसी रोड पर एयरफोर्स स्टेशन भी है जो काफ़ी आगे चल कर के हैं। मारुति कारों का शोरूम भी यहाँ पर है, कई मोटरसाइकिल के शोरूम यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, बजाज मोटरसाइकिल है और बहुत तरह की शोरूम इस रोड के ऊपर आप देख सकते हैं। दीप होटल भी यहाँ पर है और INLD का ऑफिस भी यहाँ पर है। इसी डब्बा वाली रोड के ऊपर कपास मंडी भी है जो अभी हमारे सामने आएगी। उससे पहले यहाँ पर अग्रसेन चौक है, नई जो है कपास मंडी कह सकते हैं इसको आप, या अनाज मंडी भी कह सकते हैं, और इसी से थोड़ा आगे जाने के बाद में यहाँ फायर ब्रिगेड स्टेशन भी है, क्योंकि ये रोड काफ़ी खुली है और किसी भी आपात स्थिति के अंदर फायर ब्रिगेड का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपास मंडी भी नज़दीक है और अनाज मंडी भी है और कई औद्योगिक संस्थान भी यहाँ पर है। फायर ब्रिगेड के ऑफिस से और स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से एयरफोर्स स्टेशन है। सुरक्षा की दृष्टि से हम वहाँ की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते। एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा बहुत कड़ी की जाती है। यहाँ पर तस्वीरें लेना और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हम आपको एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे।